अध्याय प्रथम श्लोक 28 व 29। दुष्टिम स्वजनम कृष्णम युजुजुस्तम समुपर्वस्थितंतनाम सीदनंतंति मम गात्राणि मुख च परिश्चुचिस्तिते वेव सृष्टितिम शरीरे में रोम हर्षणे जायते। तभी उन्होंने अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी स्वजनों का समुदाय देखकर मेरे अंग में शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरे शरीर में तो कंपन होने लगा है, रोमांच हो रहा है। वास्तव में अर्जुन बहुत ही व्याकुल हो गए थे यह सोचकर कि अपनों के प्रति कैसे हथियार उठाएं, अपनों को ही कैसे हथियार में मारें। गीता सार में देखिए कृष्ण ने एक बात कही थी, यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया था अर्जुन को कि इसमें क्या करना है, लेकिन अभी अर्जुन का जो भाव है वो अपने संबंधियों के विरोध में नहीं जा सकता। आप अपने संसार में ही ये चीज़ों को देखेंगे तो संसार में बहुत से लोग असर पाएंगे। आप अपने ही परिवार को देखेंगे, एक समय आता है जब भाइयों का बंटवारा होता है, परिवार आपस में लड़ता है, तो अपनों के प्रति ही हथियार उठाना पड़ जाता है। ऐसे ही धर्म संकट में अर्जुन भी थे, जो कृष्ण से विनती करते हैं उस बात को समझने के लिए और पार से जाने के लिए। अगले श्लोक के लिए अगले पड़ाव में।